जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में कृषि तकनीकी प्रदत्त अभिकरण गवर्निंग बोर्ड व नेशनल फूड सिक्योरिटी कमेटी की बैठक विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि तकनीकी प्रबंध अभिकरण किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, जिसे किसानों की आय दुगनी हो सके। उन्होंने कहा कि रवि की फसल की बुआई प्रारंभ हो गई है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष भी किसानों को फ्री गेहूं, तिलहन, आलू के बीज पर्याप्त मात्रा में समितियों के माध्यम से दिया जाएगा, जिसे किसान आसानी से अपने बीजों को खरीद कर अच्छी फसल लगा सकें। किसानों को किसी भी साधन सहकारी समिति पर खाद व बीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी साधन सहकारी समिति पर बीज की कमी पाई जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करें। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने उर्वरक की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि उर्वरक डीलर अपने रिटेलर को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करें एवं फुटकर विक्रेता उर्वरक की बिक्री अनिवार्य रूप से POS मशीन से ही करें। कृषि विभाग के अधिकारी क्षेत्र भ्रमण करते हुए POS मशीन का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। यदि मशीन की रिपोर्ट एवं स्थानीय उपलब्धता से भिन्नता पाई जाती है तो तत्काल निलंबन एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। सभी उर्वरक डीलर एवं प्रदायकर्ता कंपनी गोरखपुर हेतु प्राप्त उर्वरक की बिक्री अनिवार्य रूप से गोरखपुर में ही करें एवं कृषि विभाग के अधिकारी लगातार निगरानी करें। सभी उर्वरक प्रदायकर्ता कंपनी जनपदीय प्रतिनिधि किसी डीलर को अपने कंपनी का कोई कम प्रचलित उत्पाद की टैगिंग ना करें। इसी प्रकार थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता बिक्री के समय किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग कदापि ना करें। टैगिंग की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध FCO एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला कृषि अधिकारी रैक से पॉइंट से उठान के समय उर्वरक की गाड़ियों को न रोका जाए, इसके लिए SP ट्रैफिक से संपर्क करेंगे। जिला कृषि अधिकारी व सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारी समितियां गोरखपुर समय से उर्वरक आपूर्ति की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। साथ ही समितियों एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं के बिक्री केंद्रों की सघन जांच की कार्रवाई अनवरत करते रहें। बैठक में CDO इंद्रजीत सिंह, उप कृषि निदेशक संजय सिंह, PCF जिला प्रबंधक अखिलेश कुमार यादव, सहायक आयुक्त सुनील कुमार गुप्ता, जिला कृषि अधिकारी राघवेंद्र सिंह, कृषि तकनीकी अधिकारी संजय यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। खारिज ना होने की वजह से जनपद की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा बनी हुई है। 784 क्यों नहीं कहते हैं, इसीलिए मैं सबको करना है। हमारे सभी विक्रेता हैं, ये लोग हैंडलिंग करें और हमारे सभी कृषि विभाग के जो भी इंस्पेक्टर हैं, ये लोग भी जो फील्ड में जाएं इसकी जरूर मॉनिटरिंग करें कि मशीन के हिसाब से उनकी अवेलेबिलिटी लेकिन ये 50% हमें चाहिए, 50% दीजिए हमको कम से कम। और सभी कंपनी से हमारा रहेगा कि कहीं अगर रह के आ रही है तो कम से कम 50 दें, अगर संभव हो तो उनको 60% 65% दें। हमारा सेक्टर में अभी तक जो अपनी पोजीशन स्टॉक था वो अब थोड़ा एडजस्ट होने की स्थिति में है। आपका पत्र गया था सर 2 रैक के लिए, जिसमें से 1 रैक मिली, उसमें से भी 40% ही गलत। खाद आना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि 2 चीज़ें मुझे लगता होती है सर। एक तो प्राइसिंग कंट्रोल रहती है क्योंकि वहाँ पे लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, पुलिस लगा हुआ है, हर आदमी लगा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी क्राइसिस थी, इस वजह से समितियों का बर्डन ज़्यादा है, लगातार मैं पुलिस लगा हुआ सर। क्यों हमारी पोजीशन कम होगी, कम अवेलेबिलिटी दिखाएगा तभी हमको पार मिलेगा, ये भी इसमें इसीलिए सभी से अनुरोध है कि ये US मशीन को अपडेट जरूर कराएं। ये होलसेल इसको तत्काल आप लोग ऑनलाइन करा दीजिए, क्योंकि जितना खाद आएगी अगले 15 दिन क्रिटिकल पीरियड है, हमें ये डिमांड ऐसे ही रहेगी, हमें इसको बढ़ाना है।
मिलकर बुआई हो रही है अभी। लास्ट टाइम उत्पादकता ज्यादा रही है, बारिश भी अच्छी रही है, इस बार रबी में हम लोग को ज्यादा किसान डिमांड करेगा। एट द सेम टाइम कहीं ओवर रेटिंग की शिकायत नहीं आई थी, अन्यथा उत्तरदायित्व निर्धारित विधि कार्रवाई करने की बाध्यता रही है।